अंतर्राष्ट्रीय संस्था संस्कार भारती द्वारा अपने मिशन की शुरुआत बेहद शानदार ढंग से नए वर्ष के आगमन के साथ किया गया। मौका भी था चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा का स्वागत समारोह। संस्कार भारती द्वारा नव वर्ष के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति गोरखपुर क्लब के सभागार में की गई, जिसकी शुरुआत महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत संस्कार भारती के ध्येय गीत से हुई, फिर संस्कार भारती के सदस्यों और कलाकारों द्वारा कई शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसे दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने खूब सराहा। गोरखपुर की तमाम मेधाओं को इसी मंच से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में चार बार राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त अशोक महर्षि, बोनसाई और मधुबनी पेंटिंग की कला में महारत हासिल करने वाले रवि द्विवेदी मुख्य रूप से थे। संस्था के सचिव डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था का उद्देश्य ही अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखना है। आप सभी को संस्कार भारती की ओर से इस नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये आयोजन जो है संस्कार भारती, जैसा विगत वर्षों में अपना लक्ष्य रखा है कि जो भी हमारी भारतीयता की परंपराएं हैं उनको किस तरह से जीवित और जीवंत रखा जाए, अपने आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि हमारे धरोहर क्या हैं, हमारा नववर्ष क्या है, हमारे त्यौहार क्या हैं। इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है और नववर्ष के अवसर पर इसी क्रम में कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर जी का एक बहुत बहुत प्रचलित और बहुत विख्यात नाटक है रश्मि रथी, उसका मंचन किया जाएगा और इस कार्यक्रम की इसी तरह